हे वो सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नोमेड न्यूज। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि वियतनाम का वीजा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ फ्लाइट, होटल, एटीसी, मैंने आपको सब चीज बता दिया था उसके बारे में। अगर आप भी वियतनाम जाना चाहते हैं और आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसी वीडियो के रिगार्डिंग मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था सुनील भाई का। उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तरीके से वियतनाम को घूमा जाए या एक आइटनरी टाइप में उन्हें बता दूं मैं। तो वियतनाम की आइटनरी बनाना कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत ही आसान है। वियतनाम लोग दो ही तरीके से घूमते हैं, साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ। ये दो तरीका है वियतनाम घूमने का। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास एक वीक का टाइम है, आप एक वीक की हॉलीडे लेके अगर वियतनाम घूमना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको या आप साउथ से नॉर्थ चले जाइए। नॉर्थ से साउथ ही आप पे डिपेंड करता है। आपको जहाँ की फ्लाइट सस्ती मिली आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्थ में पड़ जाता है इसकी मेजर सिटी हनोई और साउथ में सिटी आती है हो ची मिन। ये आप पे डिपेंड करता है आपको फ्लाइट कहाँ से सस्ती मिल रही है, आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं। सेकंड थिंग डिपेंड करता है कि आप वियतनाम से कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप वियतनाम से थाईलैंड जाने वाले हैं तो आप साउथ से नॉर्थ जा सकते हैं। अगर आप वियतनाम से कंबोडिया जाने वाले हैं तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आप ट्रैवल करेंगे, अगर आपके पास 7 दिन का टाइम है तो आप किस तरीके से ट्रैवल करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैवल करना चाहते हैं नॉर्थ से साउथ, तो आप स्टार्ट कीजिए हनोई से। आप 2 से 2.5 दिन में हनोई अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। अगर उसके बाद आप सेंटर में भी घूमना चाहते हैं तो आप दानांग जा सकते हैं, वो भी एक ब्यूटीफुल प्लेस है वियतनाम का, वहाँ भी आप 2 दिन बिता सकते हैं। उसके बाद अपना लास्ट का टाइम आप हो ची मिन में बिता के अपने ट्रिप को एंड कर सकते हैं। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि वियतनाम के आइटनरी किस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिसर्च करना चाहते हैं, आप किस बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप होटल की बुकिंग करते हुए, बस ट्रेन का पता करते हुए आप उस तरीके से अपनी आइटनरी कैलकुलेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। अगर आइटनरी बनाने में आपको डिटेल में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है नोमेड न्यूज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्यूचर ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नोमेड न्यूज यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नोमेड न्यूज।